यही मतलब करियर वगैरह बहुत स्ट्रेस हो रहा है कंटेंट को लेके, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, उस पर लाइक्स आएगा कि नहीं। तेरा जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, तुम लोग है ना हमेशा दूसरों का वैलिडेशन के लिए वेट करते रहते हो, कंटेंट बनाने का और भूल जाने का, मेहनत करने का, बेंचो फल का इंतजार नहीं करते रहने का कि लोग देखेंगे क्या, लाइक करेंगे क्या, कमेंट करेंगे क्या, ये सब क्या कुछ कुछ चीज़ है क्या बेंचो स्ट्रेस करने का चूतिया। हम लोग के स्कूल के टाइम में ना सब झाट कोई स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, सब एकदम हमेशा खुश रहते थे। अगर स्ट्रेस हो गया तो मेरे चूतिया दोस्त लोग थे ही मेरे साथ, विनोद, सुजय, जॉनसन आ जाएंगे मेरे पास और बोलेंगे देख तेरे को हीना स्माइल दे रही है, सौम्या ने तेरे से बुक मांगा है, शशिकला तेरे को आई लव यू बोला, पूरा स्ट्रेस गायब। जो मेन स्ट्रेस हम लोग कभी होता था, एनसीसी परेड में जाते थे हम लोग छोटा सा चड्डी पहन के खाकी कलर का, कोई लड़की सामने आ जाएगी तो अरेंजमेंट खराब नहीं हो जाए वो सोच के स्ट्रेस होता था, और ज़्यादा स्ट्रेस होता था हम लोग सीधा बी डिवीजन जाते थे, उधर सब मल्लू लड़कियाँ थी, किसी को मराठी आता नहीं था, उधर तुमची आईची गांड बोल के भाग के आ जाने का, बस कोई स्ट्रेस नहीं। अपा पर मेरे दोस्त लोग भी तो वो चूतियों के बारे में बात ही मत कर, मैं जानता हूँ उन लोगों। तू है ना एक चीज़ याद रख, मैं जो बोलता हूँ दिमाग में रख, दिन का 21 बार बोल, सब स्ट्रेस गायब हो जाएगा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम।